सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग बाइनरी सर्च ट्री में किसी नोड को इंसर्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग बाइनरी सर्च ट्री से किसी भी नोड को डिलीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास कि गिवन है बाइनरी सर्च ट्री एंड ए नोड वैल्यू एक्स, डिलीट द नोड विद द गिवन वैल्यू एक्स फ्रॉम द बाइनरी सर्च ट्री। इफ नो नोड वैल्यू विद एक्स एग्जिस्ट देन डू नॉट मेक एनी चेंज। एक बाइनरी सर्च ट्री हमें गिवन है एंड एक नोड वैल्यू गिवन है। अगर ये प्रेजेंट है इस ट्री में तो वहाँ से डिलीट कर दो, एंड अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो वो ट्री एज इट इज रिटर्न कर दो, कोई चेंज नहीं करना है अपने को। तो ये कुछ क्वेश्चन है गाइस। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो लेट सपोज ऐसा कुछ हमारे पास बाइनरी ट्री गिवन है एंड हमें क्या करना है, हमें एक नोड को डिलीट करनी है। ठीक है, तो नोड कैसे कैसे हो सकती है गाइस हमारे पास? हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज़ है बेसिकली। वो चार कौन कौन सी है कि सबसे पहला जो है वो क्या हो, लीफ नोड हो। जो भी नोड हमें डिलीट करनी है वो लीफ नोड हो, जैसे कि 47 हो। दूसरा क्या हो सकता है कि उस नोड का एक चाइल्ड हो, या तो लेफ्ट चाइल्ड हो एंड या तो राइट चाइल्ड हो, जैसा कि ये 35 है। 35 वाले नोड का सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड है, 45 वाले नोड का सिर्फ राइट चाइल्ड है। तो ऐसा हमारे पास केस हो सकता है। और दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है कि हमें 50 वाला नोड डिलीट करना है, जिसके कि दोनों चाइल्ड हो, लेफ्ट भी हो एंड राइट भी हो। तो जिसके कि दोनों चाइल्ड हो, तो यहाँ पे लिख देते हैं बोथ चाइल्ड। तो ये चार केसेस है बेसिकली हमारे पास, कि या तो वो लीफ नोड हो सकता है, या तो उसका एक चाइल्ड हो सकता है, या तो लेफ्ट या तो राइट, या तो उसके दोनों चाइल्ड हो सकते हैं। अब इसमें हम लोगों को देखना होगा कि हम लोगों को करना क्या है बेसिकली। तो इफ लेट सपोज हमारा जो नोड हमें डिलीट करना है वो हमें डिलीट करना है कौन सा, 47 वाला नोड। तो 47 क्या है, 47 एक लीफ नोड है। तो 47 को अगर हमें डिलीट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 40 से चेक करेंगे। तो 40 से बड़ा है तो उसके राइट में जाएंगे, फिर 60 से छोटा है तो लेफ्ट में, देन फिर लेफ्ट में 45 पे, फिर 45 से बड़ा है तो उसके राइट में। तो हम लोग 47 वाले नोड पे पहुंच गए। हमें पता है कि 47 वाला जो नोड है वो लीफ नोड है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 47 की जगह से हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, हम लोग नल रिटर्न कर देंगे। तो वो क्या होगा, वो 45 के राइट में जाके अटैच हो जाएगा एंड बेसिकली नल कुछ होता नहीं है, तो हमारा जो 47 वाला नोड है वो डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग लीफ नोड वाला काम करेंगे। अब लेट सपोज हमें क्या करना है, हमें 45 को डिलीट करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें 45 वाले नोड को डिलीट करना है जिसका कि क्या है, राइट चाइल्ड है। तो हमें 45 नोड को डिलीट करना है। तो सेम वैसे ही हम लोग चेक करेंगे कि 40 से बड़ा है तो उसके राइट में गए, 60 से छोटा है तो उसके लेफ्ट में, 50 से भी छोटा है तो उसके लेफ्ट में, देन 45 हमें मिल गया। तो अब हमें 45 को डिलीट करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि 47 का लेफ्ट नोड नल है एंड उसके पास सिर्फ और सिर्फ राइट नोड है। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 के लेफ्ट को हम लोग 47 से असाइन कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 के लेफ्ट को 47 से असाइन कर देंगे, जिससे कि इवेंचुअली होगा क्या, ये 45 वाली जो नोड है वो बाईपास हो जाएगी एंड 50 के लेफ्ट में जो है 47 आ जाएगा। तो ये कौन सा केस हो गया, जिसका कि सिर्फ एक चाइल्ड है, जिसका कि राइट चाइल्ड है। ठीक है, तो इसको फिर से बना लेते हैं। तो ये वो वाला केस हो गया। अब लेट सपोज हमें क्या करना है, हमें 35 को डिलीट करना है। तो 35 वाले में भी सेम केस होगा, हम लोग 35 तक पहुंचेंगे एंड 35 तक पहुंचने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से 35 का लेफ्ट वाला जो नोड है उसको रिटर्न कर देंगे। तो वो क्या होगा, वो 30 के लेफ्ट में, सॉरी 30 के राइट में अटैच हो जाएगा एंड ये वाली जो नोड है वो बाईपास हो जाएगी। तो ये हो गया। तो ये दोनों केस हो गए जिसका कि एक चाइल्ड है, जिसका कि या तो लेफ्ट चाइल्ड है या तो राइट चाइल्ड है। तो इतना एक बार कर लेते हैं गाइस, इतना कोड एक बार लिख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे वो मेन केस, जो हमारा मेन केस है जिसमें कि दोनों चाइल्ड है, लेफ्ट भी चाइल्ड है एंड राइट भी चाइल्ड है, उसको हम लोग देखेंगे। पहले इतना काम हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोड एडिटर है गाइस। तो इसमें मैंने क्या बोला, अगर सबसे पहले तो हमारा रूट नोड का चेक, तो इफ रूट अगर नल है तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देंगे क्या, रिटर्न नल या फिर रिटर्न रूट, कोई भी। ठीक है, तो ये हमारा बेस केस हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि क्या इफ एक्स जो है वो ग्रेटर है रूट डॉट डेटा के, दैट मीन्स कि हमारा जो नोड है वो राइट में मिलेगा। तो रूट डॉट राइट इक्वल्स टू डिलीट नोड, इसे यहाँ पर रिसीव करना बहुत ज़रूरी है गाइज। अगर हम लोग रिसीव नहीं करेंगे तो हमारे जो चेंजेस है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो रिसीव करना बहुत ज़रूरी है। तो रूट डॉट राइट में हम लोगों ने कॉल लगा दिया। एल्स इफ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो एक्स है वो रूट के डेटा से छोटा है। तो अगर वो छोटा है तो हम लोग कहाँ पे कॉल लगा देंगे, अपने लेफ्ट साइड पे कॉल लगा देंगे एंड उसको रिसीव भी करेंगे। रिसीव करना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो रूट डॉट लेफ्ट एंड एक्स, तो ये हो गया। एंड एल्स में हमारे पास क्या है, हमारे पास डेटा मिल गया है मतलब। देन हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि वो लीफ है या नहीं है, कि क्या उसके पास एक चाइल्ड है या दो चाइल्ड है, वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि इफ उसका जो लेफ्ट है वो नल नहीं है एंड उसका जो राइट है वो भी नल नहीं है,
तो इफ रूट डॉट राइट इज नॉट इक्वल्स टू नल एंड लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो ये एक केस होगा हमारे पास। दूसरा केस क्या होगा हमारे पास कि रूट का जो लेफ्ट है वो नल नहीं है, तो इफ रूट डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। एंड सिमिलरली एक ऐसा केस क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो रूट का राइट है वो नल नहीं है, तो इफ रूट डॉट राइट इज नॉट इक्वल्स टू नल। एंड एल्स हमारे पास क्या हो जाएगा, लीफ नोड वाला केस। तो लीफ नोड वाला केस में तो सिंपल है, हम लोग क्या कर देंगे, नल को रिटर्न कर देंगे। एंड इन दोनों केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भी नोड प्रेजेंट होगी उसको हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे, तो रूट डॉट लेफ्ट, तो यहाँ से लेफ्ट रिटर्न हो जाएगा एंड यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से राइट रिटर्न हो जाएगा। तो बेसिकली वो वाला नोड जो है वो बाईपास हो जाएगा एंड यहाँ से उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा ये दोनों केस हो गई जो हमने अभी देखा कि अगर सिर्फ उसका लेफ्ट चाइल्ड है या फिर सिर्फ उसका राइट चाइल्ड है तो क्या करना है हमें। तो ये दोनों केस देख लिया, अब हमें कौन सा केस देखना है जिसके कि दोनों चाइल्ड हैं। तो यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस इस क्वेश्चन में कि उसका दो चाइल्ड हो तब हम लोग क्या करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो एंड ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, काफ़ी इंटरव्यूज में मैंने पूछते हुए देखा है, तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं कि दो चाइल्ड है तो क्या करेंगे। तो लेट सपोज हम लोगों को क्या करना है, 50 वाले नोड को डिलीट करना है। तो 50 वाले नोड को डिलीट करना है, सबसे पहले 40 से चेक किया, 40 से बड़ा है तो उसके राइट में है, 60 से छोटा है तो उसके लेफ्ट में है। अब हमारे पास 50 वाला नोड है, अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे। अगर लेट सपोज हम लोग क्या करते हैं, इस वाले नोड की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, 50 के लेफ्ट को रिटर्न कर देते हैं। तो ट्री कैसी बन जाती है, अगर मैं सब ट्री बनाऊँ यहाँ पे तो ऐसी कुछ हमारे पास ट्री बन जाती। एंड 60 के राइट में क्या था, 65 था। तो यहाँ से देख रहे हो गाइस ये वाली जो नोड है, ये वाली नोड जो है हमारी खो गई, ये हमारी लॉस्ट हो गई, तो ये काम तो हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा अब लेट सपोज हम लोग 60 के लेफ्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, 50 के राइट को असाइन करते रहे, तो ऐसा कुछ नोड हो जाएगा 60, 65 एंड 60 के लेफ्ट में हम लोग किसको असाइन कर दे रहे हैं, 50 के राइट को जो कि है 55, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हो गाइस ये दोनों जो नोड थी ये बाईपास हो गई, ये लॉस्ट हो गई, ये खो गई हैं, ये अब नहीं मिलेंगी हम लोग को। तो हमें ये नहीं करना होगा, हमें इसमें कुछ और करना होगा, हम लोग ऐसे तो काम नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोग अब इसमें क्या करेंगे, हमारे हमें क्या डिलीट करना है, हमें 50 को डिलीट करना है। तो हम लोग इसमें दो काम कर सकते हैं, क्या दो काम कर सकते हैं कि हम लोग क्या करें अपने लेफ्ट सब ट्री से, अपने लेफ्ट सब ट्री से हम लोग क्या करें सबसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके लाएं। तो लेट सपोज ये हमारा लेफ्ट सब ट्री है, इसमें से हम लोगों ने क्या किया मैक्सिमम फाइंड करके ले गए जो कि है 47। एंड उस डेटा से हम लोगों ने क्या किया 50 को चेंज कर दिया, तो 50 की जगह हम लोगों ने 47 को कर दिया। एंड देन हम लोगों ने क्या किया लेफ्ट रिकर्सिव कॉल लगा दी अगेन एंड कहा कि 47 को जाके डिलीट कर दो, तो 47 डिलीट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हमारे पास फिर ट्री बन जाएगा। एंड इससे आप लोग देख सकते हो गाइस कि हमारी जो बाइनरी सर्च ट्री की जो ऑर्डर है वो भी मेंटेन्ड है कि 60 से छोटा है तो 47 उसके लेफ्ट में, देन 47 से छोटा 42 उसके लेफ्ट में, एंड 47 से बड़ा 55 उसके राइट में। तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप कि बाइनरी सर्च ट्री की जो प्रॉपर्टी है वो ऑर्डर है। तो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट सब ट्री से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड किया एंड उसको हम लोगों ने क्या किया रूट के जो डेटा थी यहाँ पे हम लोगों का 55 था उससे हम लोगों ने चेंज कर दिया, तो उससे हम लोगों ने मैक्स वैल्यू को असाइन कर दिया। एंड फिर हम लोगों ने क्या किया लेफ्ट रिकर्सिव कॉल लगा दी यहाँ से कि डिलीट कर दो किस नोड को, रूट के लेफ्ट में डिलीट का कॉल लगा दो एंड कौन से नोड को डिलीट कर दो, इस मैक्सिमम वाले नोड को, तो वो यहाँ से आके 47 वाले नोड को डिलीट कर देगा। तो ये काम कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब लेट सपोज इसको फिर से पहले जैसा बना लेते हैं। एक और काम हम लोग क्या कर सकते हैं गाइज, यहाँ पे लेट सपोज 50 था एंड यहाँ पे क्या था 47 था, ठीक है। तो हम लोग वो 50 को डिलीट कर रहे थे, तो हम लोग एक और काम क्या कर सकते हैं, हम लोग एक और काम ये कर सकते हैं कि हम लोग राइट साइड से हम लोग क्या करें मिनिमम ले आए। हम लोगों ने अभी क्या किया लेफ्ट साइड से मैक्सिमम ले आया एंड उसको इसके डेटा के साथ चेंज कर दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग अपने राइट से मिनिमम लेके आ रहे हैं, अपने राइट से मिनिमम ले आएंगे एंड उसको फिर इस डेटा से चेंज कर देंगे एंड देन राइट रिकर्सिव कॉल लगा देंगे एंड इस वाले इसके जो भी राइट में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसको डिलीट कर देंगे। तो ये दो काम हम लोग कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे और दो नोड्स होती, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे नोड होती 52 एंड यहाँ पे होता 58, ठीक है। तो राइट साइड से हम लोग क्या करते मिनिमम फाइंड करके लाते हैं एंड 50 को रिप्लेस करते किससे, हम लोग 50 को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग 52 से एंड फिर हम लोग कॉल लगा देते हैं अपने राइट साइड में एंड 52 को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से ये वाली नोड जो है वो डिलीट हो जाती है एंड हमारी जो बाइनरी सर्च ट्री की ऑर्डर है वो भी मेंटेन रहेगी एंड हमारा जो नोड है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे नोड्स जिसके कि दो चाइल्ड है, ऐसे नोड्स जिसके कि दो चाइल्ड है उसमें हम लोग क्या करेंगे, या तो अपने लेफ्ट हैंड साइड से मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे
एंड उससे इस डेटा को चेंज कर देंगे एंड रिकर्सिव कॉल लगा के उस मैक्सिमम वाले नोड को डिलीट कर देंगे, या फिर क्या करेंगे अपने राइट हैंड साइड से मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे एंड अपने रूट के डेटा को मिनिमम वैल्यू से चेंज कर देंगे एंड राइट रिकर्सिव कॉल लगा के उस डेटा को डिलीट कर देंगे। तो ये दोनों काम में से हम लोग कोई भी कर सकते हैं एंड इससे क्या होगी, इससे जो बाइनरी सर्च ट्री की जो प्रॉपर्टी है हमारे ट्री में वो मेंटेन रहेगी। तो इसको एक बार चलिए अब करके देख लेते हैं। तो ये हमारा कोड एडिटर है, तो इसमें हम लोगों ने और तीन केसेस जो थे अपने देख लिए। हमारा एक केस बच रहा है जब हमारे पास दोनों चाइल्ड अवेलेबल है, तब हम लोग क्या करेंगे। तो मैं मैक्सिमम वाला कर लेता हूँ, लेफ्ट साइड से हम लोग मैक्सिमम निकाल के कर लेंगे। आप लोग राइट साइड वाला भी कर सकते हो, राइट साइड से बस मिनिमम निकालना होगा आप लोगों को, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेफ्ट मैक्स निकाल लिया एंड मैक्सिमम एक फंक्शन बना लेंगे जो कि हमें मैक्सिमम रिटर्न करके दे देगा। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट मैक्स आ गया एंड अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट डॉट डेटा को चेंज कर दे रहे हैं किससे, लेफ्ट मैक्सिमम से। तो हमारा जो रूट का डेटा था वो चेंज हो गया लेफ्ट के मैक्सिमम से। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग रूट डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू डिलीट नोड कॉल कर रहे हैं एंड डिलीट नोड किस पे लगा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे। एंड हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी लेफ्ट मैक्स वाला जो नोड है उसको क्या करो, डिलीट कर दो। तो यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा एंड यहाँ से हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, रूट को रिटर्न कर देंगे। तो ये कोड था गाइज एंड फटाक से वो वाला फंक्शन बना लेते हैं अपना मैक्सिमम जो हमें रिटर्न करके देगा। तो पब्लिक स्टैटिक इंट मैक्स एंड इसमें हम लोग रूट नोड पास करेंगे, और सॉरी इसमें हम लोग रूट नोड पास करेंगे एंड सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम रख लेते हैं रूट डॉट डेटा को। तो रूट डॉट डेटा, फिर हम लोग एक लूप चलाएंगे जब तक हमारा जो रूट है वो नल ना हो जाए। तो रूट डॉट राइट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल है, तब तक हम लोग इस लूप को चलाएंगे एंड हर टाइम हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम आपको अपडेट करते जाएंगे किससे, रूट के राइट के डेटा से। क्योंकि हमें पता है कि अगर वो अगर मैक्सिमम कुछ होगा तो वो उसके राइट हैंड साइड पे ही आएगा, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में जो भी राइट नोड होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ से निकाल लेंगे, फिर हम लोग रूट को चेंज कर देंगे रूट इक्वल्स टू रूट डॉट राइट एंड फिर अब हम लोग लास्ट में यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम को। तो आई थिंक कि कोड हमारा हो चुका है गाइज, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, अगर कोई कंपाइल टाइम एरर होगी तो मिल जाएगी। तो कंपाइल टाइम एरर है। अच्छा, यहाँ से हम लोगों को रिटर्न भी करना होगा, तो यहाँ से हम लोग कर देते हैं रिटर्न रूट, क्योंकि रिटर्न टाइप नोड है एंड यहाँ से कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना होगा, तो रिटर्न रूट कर दिया। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। तो सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है एंड आउटपुट भी एज एक्सपेक्टेड आ रहा है, इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो हमारा जो कोड है गाइस वो सबमिट भी हो रहा है, ये सबमिट हो जाएगा। तो हमारा जो कोड है वो सबमिट भी हो रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने खुद देखा है काफ़ी इंटरव्यूज़ में पूछते हुए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अच्छा, इसकी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हो जाएगी बिग ऑफ लॉग एन। लॉग एन क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साइड को डिस्कार्ड कर दे रहे हैं। लेट सपोज अगर ये 40 है एंड हमें डिलीट 52 को करना है, तो हम लोगों ने पूरे इसके लेफ्ट साइड को डिस्कार्ड कर दिया, हम लोग इसके राइट साइड पे चले गए एंड देन इसी तरह कर रहे हैं हम लोग। तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ लॉग एन हो जाएगा एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ वन हो जाएगी कॉन्स्टेंट, क्योंकि हम लोगों ने कोई एक्सेलरी स्पेस यूज़ नहीं किया है। तो ये था गाइस कंप्लीट कोड इस क्वेश्चन का एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया हो क्वेश्चन एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और बाइनरी सर्च ट्री पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।